हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी ज्ञान। कैसे हैं आप सभी, एक बार बताएंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एसएससी जीडी 2022 के 84,000 पद। जी हाँ, 84,000। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसका? क्या कब से भरे जाएंगे आपके फॉर्म? क्या होगा आपका सिलेबस? क्या योग्यता 10वीं पास? बिल्कुल। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? और फुल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को। और आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। जो कि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, इसकी आपकी डेट निर्धारित हो चुकी है। सर, इस डेट को आपके फॉर्म आ जाएंगे और इस डेट को क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, सब कुछ बात करेंगे। सर, 84,000 पद रहने वाले हैं क्या इसमें? बिल्कुल, आज वीडियो में बात करेंगे। और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ बात करेंगे। और क्या योग्यता रहेगी और क्या सिलेबस रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाऊं। ये अभी कुछ अभी आपके उसमें अखबार में आया था, केंद्रीय बलों में 84,000 से ज्यादा पद है खाली। केंद्रीय बलों में 84,000 से ज्यादा है फलों। देखिए, असम राइफल में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी और एसएसएफ में, एसएसबी सॉरी एसएसबी में, ठीक है। कितने? 84,405 पद खाली है। कितने पद खाली है? 84,405 पद, ठीक है। और यहाँ पर इसमें कह भी रहा है कि 84,000 पद से ज्यादा पद खाली हैं, इन्हें अगले साल दिसंबर तक भराया जाएगा। कौन सा? 2023 के दिसंबर तक इसे क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भर्ती तो अभी से करानी होगी। देखिए, भर्ती तो अभी से करानी होगी। बिल्कुल, देखिए सब कुछ बात करने वाले हैं। कितने पद आएंगे आपके, क्या होने वाला है। देखो, एक ये भी नोटिस आया था, इसमें भी ये बोला है 84,000 पद खाली है। ये आपका क्या हुआ था, ट्विटर ट्वीट किया था किसने, राज्यसभा सांसद ने बताया था, डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने सेंट्रल आर्म फोर्सेस में बताया था, सीआईएसएफ में भर्ती को लेकर सवाल उठाया था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, असम राइफल में कितने पद खाली हैं, इतने हैं, और ये सब कुछ वैकेंसी आपके पास खाली है। देखो, टोटल इतने हैं उसमें पद, और उसमें से कितने खाली हैं, 9,659, ठीक है। और टोटल आपके बीएसएफ में कितने पद हैं, सबसे ज्यादा आपके बीएसएफ में पद हैं, बीएसएफ से ज्यादा सीआरपीएफ में होते हैं, ठीक है। बीएसएफ में आपके 19,254 पद खाली हैं, 1,64,000 आपके सीआईएसएफ में हैं, लगभग 10,900 के लगभग आपके सीआईएसएफ में खाली हैं। देखो, 3,24,000 आपके सीआरपीएफ में हैं, जिसमें से 29,985 पद आपके सीआईएसएफ सीआरपीएफ में खाली हैं। आईटीबीपी में आपके 88,400 के लगभग पद हैं, उसमें से 3,187 खाली हैं। 97,000 के लगभग एसएसबी में आपके खाली हैं, और 11,500 के लगभग इसमें खाली हैं, ठीक है। टोटल पद 10,00,000 के लगभग हैं। टोटल वैकेंसी क्या है, टोटल जो आपके पद भरे जाते हैं इस एसएससी जीडी के थ्रू, वो कितने हैं, 10,00,000 के करीब हैं। उसमें से खाली कितने हैं, 84,000 आपके खाली हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ चीजों की, बात करता हूँ। ये नोटिस मैं अपने आप खुद बना के लाया हूँ। देखो, टोटल वैकेंसी कितनी खाली है उसकी बात करेंगे हम। सर, असम राइफल में इतनी वैकेंसी खाली है, बीएसएफ में 19,254 खाली है, सीआईएसएफ में 10,918 खाली है, सीआरपीएफ में 29,985 खाली है, आईटीबीपी में सर 31,087 खाली है, सॉरी 3,187 खाली है, एसएसबी में 11,402 खाली है। टोटल मिलाकर सर ये कितना आंकड़ा हुआ आपका, 84,405। और इसमें से आपको पता है 2021 की जो वैकेंसी हुई थी आपकी 25,271 वैकेंसी की, वो भी इसी में शामिल है, ठीक है। तो असम राइफल में कितनी वैकेंसी थी, 3,785 थी, और बीएसएफ में 7,745 थी, और सीआईएसएफ में इस बार कितनी वैकेंसी आई थी आपकी, 8,464 आई थी। लेकिन सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, और इस बार एक भी वैकेंसी सीआरपीएफ में आपको देखने को नहीं मिली, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अब की बार ज्यादा होने वाला है, ठीक है। 1,400 आपके आईटीबीपी में जगह आई थी, 1,431, और 3,806 आपकी एसएसबी में जगह आई थी, जिसके बाद आपका 25,271 का आंकड़ा यहाँ पर बना था। अभी जो वैकेंसी चल रही है, मतलब आपकी भर्ती चल रही है, उसमें
25,271, उसमें क्या चल रहा है सर? आपकी रनिंग हो चुकी है, मेडिकल होना बाकी है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जो 2023 में वैकेंसी आएगी वो कितनी रहने वाली है सर? इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो 5874 मिलेगा, ठीक है, और इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं 11709 मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 2454 पद खाली रह जाएंगे, और ये तो पूरे खाली ही हैं, 29,000 तो खाली ही हैं। इसके बाद सर इसमें इतने टोटल खाली थे, इतने की वैकेंसी हो चुकी है तो इतने आपके खाली हैं सर, 11,000 के अलावा इसमें खाली थे, 4,000 के अलावा इसमें आपकी भर्ती हो चुकी है, तो अब 7,500 के अलावा इसमें खाली है, तो 59,374 के लगभग पद आपके अभी भी खाली हैं, जो कि वैकेंसी आने की संभावना है आपके कब सर? 2022 के दिसंबर में आ जाएंगी आपकी वैकेंसी। अभी नोटिस दिखाऊंगा, 2022 के दिसंबर में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 2022 के दिसंबर में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, एसएससी कैलेंडर जारी करती है, इस कैलेंडर में आप यहाँ से देख रहे होंगे सर 14 नंबर पर क्या है, एसएससी कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और CAPF SSF और राइफल्स GD एंड असम राइफल एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। तो CBE इसका फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यहाँ फॉर्म भरने की डेट दे रहा है सर 10 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, और कब तक भरे जाएंगे, 19 जनवरी तक भरे जाएंगे, ठीक है। और पेपर की डेट यानी कि आपका एग्जाम कब लिया जाएगा आपसे सर, मार्च से अप्रैल में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई सर, ये तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होंगे, यहाँ पर फॉर्म एंड हो जाएंगे और यहाँ क्या होगा, आपका एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट कहाँ पर आ गई आपकी, एग्जाम डेट है आपकी मार्च से अप्रैल में एग्जाम होना ही होना है। एसएससी इस टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, सारी चीजों को सारे टाइम से आपका फॉर्म निकाल रही है, और सारे फॉर्म जो भी निकल रहे हैं उनका एग्जाम भी टाइम से ले रही है, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं सर, इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसमें कितने लगभग पद आने आ सकते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से इस भर्ती में लगभग जो पद रहने वाले हैं सर, इस भर्ती में लगभग पद कितने रहने वाले हैं, इस भर्ती में लगभग 55,000 पद रहने वाले हैं, कितने, 55,000 प्लस पद रहने वाले हैं, ठीक है। और फॉर्म कितना भरे जाएगा सर, सर्वाधिक यार सबसे ज्यादा फॉर्म इस भर्ती में भरा जाना है। इस बार भी आप देखोगे सर 45 से 50 लाख फॉर्म भरा गया था, सर्वाधिक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता, अब योग्यता की बात करते हैं सर, शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है इसमें, आपकी क्या योग्यता रहती है सर, आप कितने पास हो, क्या फॉर्म भर चुके हैं। देखो शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता योग्यता क्या रहेगी आपकी सर, योग्यता की बात करें, योग्यता रहती है आपकी 10वीं पास, क्या रहती है, 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और किसी भी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप, या CBSE से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने क्या कर रखा है, 10वीं पास कर रखी है, तो आप इसका फॉर्म भर चुके हैं, और आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का, ठीक है। आयु क्या रहने वाली है सर, एज की बात करें, एज कितनी रहती है सर, 18 से 23 साल इसमें एज रहती है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ सर, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है, कितने की, 5 साल की। और ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट मिलती है, कितने वर्ष की, 3 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं सर, इसमें ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी मांगी जाती है आपकी, हाइट कितनी, सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हमारी हाइट कम है ज्यादा है, तो इसमें आपकी हाइट कितनी मांगी जाती है सर। हाइट की बात करता हूं मैं, हाइट देखो पुरुष की और पुरुष और महिला, ठीक है, दोनों की अलग अलग होती है, तो दोनों की बात करेंगे हम सर, पुरुष की मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर, आप नाप कर देख लीजिएगा, अगर आपकी 170 सेंटीमीटर है, और महिलाओं की कितनी होती है सर, 157 सेंटीमीटर। और एसटी एससी के लिए कितनी होती है सर, मेल में होती है 162.5 सेंटीमीटर, और आपकी महिला में होती है 150 सेंटीमीटर, ठीक है,
यहाँ से आगे बात करते हैं सर, पुरुषों का क्या होता है, पुरुषों का सीना यानी कि चेस्ट मापा जाता है। क्या मापा जाता है? सीना मापा जाता है, चेस्ट मापा जाता है। सर पुरुषों का चेस्ट कितना मांगा जाता है? इसमें पुरुषों के चेस्ट की बात करें सर, 80 सेंटीमीटर तो नॉर्मल होना चाहिए आपका, और 85 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? फुलाव होना चाहिए, यानी कि फुलाव करके 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। इसके बाद सर हम दौड़ या रेस की बात करते हैं, सर दौड़ कितनी होती है इसमें? दौड़ कितनी होती है या रेस कितनी होती है? रेस की बात करते हैं, ठीक है सर। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए अलग अलग रेस होती है। देखो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की रेस होती है, जो कि आपकी कितने मिनट में होती है? सर 24 मिनट में होती है, ठीक है। और आपकी महिलाओं के लिए सर, महिलाओं के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रेस होती है, 1600 मीटर की, और 8.5 मिनट का टाइम होता है। कितने मिनट का? सर 8.5 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं सर, भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है? भर्ती प्रक्रिया, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें सर, भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होगा? CVT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर आधारित टेस्ट। क्या होगा सबसे पहले सर? कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। जो नए बच्चे हैं अभी 12th करके आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि सर क्या होती है भर्ती प्रक्रिया, तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो स्पेशल लेके आया हूँ सर। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ठीक है। कितने नंबर का होता है? एक नंबर का होता है, ठीक है। सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करके चल रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ठीक है। एक नंबर का होगा तो कितने नंबर बनेंगे आपके? 100 नंबर बनेंगे, ठीक है। कितने नंबर बनेंगे? 100 नंबर बनेंगे। सर नेगेटिव क्या होती है? अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव कितनी होगी? सर नेगेटिव की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करता हूँ सर, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 नंबर की, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका एक सही भी कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद सर आपका दूसरा नंबर क्या होगा? टेस्ट हमने पास कर लिया, अगर हमने टेस्ट पास कर लिया तो इसके बाद क्या होने वाला है? आपकी शारीरिक माप होगी। क्या होगी? शारीरिक माप होगी, ठीक है। शारीरिक माप में सबसे पहले आपको दौड़ कराई जाएगी, और दौड़ के बाद अगर आप पुरुष हैं तो आपकी माप तोल यानी कि क्या होगा? चेस्ट पेस्ट नपेगा, ठीक है। चेस्ट नपेगा, ठीक है, और हाइट नपेगी, माप तोल होगी, ठीक है। माप तोल लिख देता हूं मैं से, ठीक है। दौड़ के बाद आपका क्या होगा सर? माप तोल होगी, ठीक है। चेस्ट और हाइट आपकी मापी जाएगी, और महिलाओं के लिए हाइट होगी और पुरुषों के लिए हाइट और चेस्ट दोनों होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखो, जब आपने टेस्ट पास कर लिया उसके बाद आपकी मेरिट लगती है, जिस मेरिट में जिसका नाम आएगा उन्हीं की दौड़ कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा सर? मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। मेडिकल में आपको देखा जाएगा कहीं से आप कटे फटे या मतलब कोई आप में दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आप ऐसे आए कि किसी के हाथ कट रहा है, किसी का उंगली कट रही है, किसी का पैर कट रहा है, या तो उन्हें आप नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भाई वहां पर उन्हें नौकरी करानी है, उन्हें देश की रक्षा करनी है आपको, तो आपको ऐसी स्थिति में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सर यहाँ से अब किसकी, अब बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, जो आपके 100 क्वेश्चन आ रहे थे सर, 100 क्वेश्चन आ रहे थे, वो कहाँ कहाँ से आ रहे थे उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सर 100 क्वेश्चन आपके, 25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आएंगे, 25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आएंगे, और 4 क्या होंगे आपके सब्जेक्ट होंगे। कितने होंगे? 4 क्या होंगे आपके सब्जेक्ट होंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा सर? गणित होगा। क्या होगा? गणित होगा, और रीजनिंग होगी आपकी। क्या होगी? रीजनिंग होगी, ठीक है। गणित को आप बोल सकते हो सर, मैथ्स होगा, ठीक है, और क्या होगी आपकी? रीजनिंग होगी, ठीक है। क्या होने वाली है? रीजनिंग होने वाली है इसमें, ठीक। और इसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान
और सामान्य जागरूकता यानी कि आपकी क्या होने वाली है सर, जीके जीएस होने वाली है, ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, ठीक है, ये होती है जीके जीएस, ठीक है। इसमें से आपको अब क्या दिया जाएगा सर, एक तो हिंदी दी जाएगी और एक क्या दी जाएगी सर, इंग्लिश दी जाएगी। इसमें से आपको जो कोई एक करना हो उसमें से आपकी चॉइस होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कोई एक, इसमें से आप जो अच्छा करना चाहते हो, दोनों ही आपके एग्जाम में आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों में से सर, अगर 25 इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो 15 इंग्लिश में से कर देता हूँ, 10 हिंदी में से। नहीं, अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी ही करेंगे, और आप इंग्लिश करना चाहते हैं, अगर आपने इंग्लिश खोल ली तो आप इंग्लिश ही करेंगे, आपको हिंदी नहीं खोली जाएगी, ठीक है। सर इन सभी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 25 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे सर, 25 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 ही आपके नंबर होंगे, क्या 100 ही नंबर होंगे। ये रही आपकी भर्ती प्रक्रिया, एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी, और अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। अगर आपको पता है सर, 10 दिसंबर से हमारे फॉर्म आ जाएंगे, 10 दिसंबर से फॉर्म आ जाएंगे, और मार्च या अप्रैल में आपका क्या हो जाएगा सर, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। एग्जाम कब होगा सर, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाना है। आपको मैं बता दूं, हमारे इस चैनल पर सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपको अभी करंट अफेयर मिल रहा है, आपको अभी करंट अफेयर मिल रहा है, कुछ दिन में आपको मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, और आपकी जीके जीएस, ठीक है, सारी चीजों के सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को एक बार भाई शेयर जरूर कर देना। इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। अगर आपका डाउट है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रिकी ज्ञान टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है आपको, 9627373131, यहाँ पर आप मुझे क्या कर सकते हैं सर, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कोशिश करना कि व्हाट्सअप मैसेज ही करें, कॉल ना की जाए, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ आपके लिए कुछ नया करने के लिए, ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।